तो स्टार्ट करें। आज जो टॉपिक है आज का वो है क्या, वैल्यू टाइप और रेफरेंस टाइप। आज इसके बारे में जानेंगे कि क्या होता है वैल्यू टाइप और रेफरेंस टाइप। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले हम तो वैल्यू टाइप के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, डेफिनेशन वगैरह देख लेते हैं इसके। तो अगर मैं बात करूँ डेटा टाइप की, तो आपकी जो डेटा टाइप होती है वो दो तरह के कैटेगरी में डिवाइड होती है। जो पहला कैटेगरी होता है वो होता है वैल्यू टाइप, और जो दूसरा कैटेगरी होता है वो आपका होता है रेफरेंस टाइप। तो यानी कि जो आपके डेटा टाइप हैं, आपको पता है कि डेटा टाइप हमारे क्या होती हैं, दो तरह के होते हैं, एक प्रिमिटिव होता है, दूसरा नॉन प्रिमिटिव होता है। बट कैटेगरी वाइज देखा जाए तो हमने एक अलग एक दूसरी कैटेगरी बनाई, जहां पे हमने क्या किया, ऐसे वेरिएबल या सॉरी ऐसे जो डेटा टाइप जो वैल्यू टाइप मतलब जो डायरेक्टली वैल्यू पे काम करते हैं हम उसे अलग कर दिया, और ऐसे वेरिएबल जो रेफरेंस पे काम करते हैं हमने उसे अलग कर दिया। तो नाम क्या दिया मैंने, ये दिया मैंने वैल्यू टाइप और रेफरेंस टाइप। तो दो कैटेगरी हमने यहाँ पे बना दी। अब जो आपकी पहली जो कैटेगरी है वैल्यू टाइप, अगर हम इसकी बात करें तो देखो वैल्यू टाइप का जो डेफिनेशन है, हम क्या कहते हैं, अगर आपसे कोई पूछता है कि भाई वैल्यू टाइप क्या होता है, तो आप कह सकते हैं कि और डेटा टाइप, मतलब वैल्यू टाइप बोल रहे हैं तो यानी कि डेटा टाइप की बात कर रहे हैं। ऐसे डेटा टाइप, डेटा टाइप क्या है, इंटीजर, करेक्टर, फ्लोट, डबल, दीज आर द डेटा टाइप। ओके, तो ऐसे डेटा टाइप दैट होल्ड अ डेटा वैल्यू, मतलब ऐसे डेटा टाइप जो कि जो भी आप वैल्यू इंटर करो उस वैल्यू को वो होल्ड करते हो विद इन इट्स ओन मेमोरी स्पेस। मतलब हम क्या करते हैं, मेमोरी में एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं और उस वेरिएबल का एक नाम देते हैं, और उस वेरिएबल में हम कोई वैल्यू स्टोर करते हैं। तो उसके जो मेमोरी स्पेस उसने रिजर्व कर रखा है, उसमें जो वैल्यू आप सेव करोगे वो डायरेक्टली उसी पे काम करते हैं। ठीक है, तो ऐसे वेरिएबल को क्या कहते हैं हम, वैल्यू टाइप कहते हैं। ठीक है, इसका क्या मतलब होगा कि कोई भी वेरिएबल, मतलब इट मीन्स वेरिएबल्स ऑफ दीज टाइप, मतलब वैल्यू टाइप डायरेक्टली कंटेन देयर वैल्यू। ओके, तो वो डायरेक्टली अपने वैल्यू को ही स्टोर करते हैं। अब ये जो वेरिएबल हैं, कुछ हमारे पास वेरिएबल हैं, ऐसे वेरिएबल सॉरी ऐसे डेटा टाइप जो कि क्या है, वैल्यू टाइप हैं। तो यहाँ पे आपका मैंने क्या बोला, वैल्यू टाइप हम इसे क्या बोलते हैं, प्रिमिटिव डेटा टाइप, इनबिल्ट डेटा टाइप जो कि कंपाइलर में बाय डिफॉल्ट जिन्हें हमने डिफाइन कर दिया हो। तो ये होते हैं इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, डबल, तो जो भी बेसिक वाले हैं ये सब क्या आते हैं, वैल्यू टाइप के अंदर आते हैं। अब जरा सा वैल्यू टाइप को और डिटेल में जानते हैं। तो देखो सबसे पहले क्या, मान लो मैंने एक वेरिएबल क्लियर क्रिएट किया, तो यहां पर मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया है, वेरिएबल का नाम क्या है, सैलरी। ठीक है, ये वेरिएबल है। अब इस वेरिएबल को अगर हम मेमोरी में अगर हम इसे क्रिएट करेंगे तो होगा क्या, मान लीजिए ये आपकी एक मेमोरी है। ठीक है, अब इस मेमोरी में हमें क्या किया, एक एक स्पेस जो है होगा, एक स्पेस हमें यहाँ पे क्या करना है, रिजर्व करना है किसके लिए, आपके पास जो जो आपके पास वेरिएबल है, तो वेरिएबल कौन सा है, हमारे पास सैलरी है। तो सैलरी के लिए हमें क्या करना है, मेमोरी रिजर्व करना है, मेमोरी में स्पेस रिजर्व करना है मेमोरी में बेसिकली। अब यहां पर हमने क्या किया, एक वेरिएबल क्रिएट किया, उसका नाम क्या है, सैलरी। अब इस वेरिएबल में हमने वैल्यू क्या स्टोर कर दी, 25। ठीक है, तो सैलरी वेरिएबल है, इस वेरिएबल में स्टोर किया मैंने 25, और ये आपका क्या है, वेरिएबल कैसा वेरिएबल है, ये इंटीजर वेरिएबल है, इसमें 25 हमने स्टोर कर दिया। तो ये क्या है, ये वैल्यू टाइप है। वैल्यू टाइप का मतलब कि इसमें हमने कोई भी रेफरेंस वगैरह नहीं स्टोर किया, एग्जैक्टली जो वैल्यू है उस पर्टिकुलर वेरिएबल की वो हमने यहाँ पे स्टोर किया है, आप देख सकते हो। तो अब हमारे पास क्या है, नीचे आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे नीचे हमने क्या दिया, ये जो आप देख रहे हो ना, #012g। तो मान लो आपने जो मेमोरी में जो वेरिएबल क्रिएट किया है सैलरी वाला, ये जो वेरिएबल है आपका, इस वेरिएबल का कोई ना कोई एक इंडेक्स नंबर होगा, मतलब किसी पर्टिकुलर मेमोरी में किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे ये वेरिएबल क्रिएट हुआ होगा, और उस पर्टिकुलर लोकेशन का एड्रेस क्या है, तो वो ये एड्रेस है जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यही वो एड्रेस है। ठीक है, तो ये तो आपका रेफरेंस एड्रेस हो गया, रेफरेंस नंबर हो गया, पर यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ वैल्यू टाइप की। तो वैल्यू टाइप क्या करता है, मान लीजिए एक वेरिएबल में आपने क्रिएट किया वेरिएबल, और उस वेरिएबल में आपने क्या, इसकी जो वैल्यू है, इसकी वैल्यू क्या है, 25, ये वैल्यू आपने यहाँ पे स्टोर किया हुआ है। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो ये आपका वैल्यू हो गया वेरिएबल का, और अगर मैं बात करूँ ये वेरिएबल मेमोरी में है कहाँ, तो आपके पास एक रेफरेंस नंबर होगा, इस नंबर को अगर आप फॉलो करोगे तो आप उस पर्टिकुलर लोकेशन पे पहुंच जाओगे जहां पे सैलरी होगा, मतलब सैलरी वाला वेरिएबल होगा। और अगर उसकी वैल्यू की बात करें तो वैल्यू क्या है, 25। आगे चलते हैं, अब यहां पर जरा सा हमारे पास नेक्स्ट जो है दूसरा वाला रेफरेंस टाइप, उसकी बात करते हैं। रेफरेंस टाइप को क्या कहेंगे, देखो रेफरेंस टाइप का जो डेफिनेशन होगा ये भी इसी तरीके से होगा। अब यहां पे वैल्यू टाइप से ये थोड़ा सा अलग है, अलग क्यों है, क्योंकि रेफरेंस टाइप जो होते हैं ये डज नॉट स्टोर इट्स वैल्यू डायरेक्टली। ओके,
तो ये वैल्यू क्या डायरेक्टली वैल्यू स्टोर नहीं करते? क्यों नहीं करते? क्योंकि यहां पे एक मिनट, क्योंकि देखो यहां पे डायरेक्टली क्या करते हैं, वैल्यू डायरेक्टली ये स्टोर नहीं करते। ये क्या स्टोर करते हैं, ये इसकी जगह पे वे स्टोर करते हैं एड्रेस, एड्रेस वेयर द वैल्यू इज स्टोर, मतलब कि जो आपका वैल्यू है वो किस पर्टिकुलर लोकेशन पे स्टोर है, उस लोकेशन का जो एड्रेस हो वो हम यहाँ पे क्या करते हैं, शो करते हैं। अब ये जो टाइप है, डेटा टाइप, वो क्या है, इसमें आता है स्ट्रिंग, आता है आपका आपका क्लास आता है, ठीक है, ऑब्जेक्ट आते हैं, एरे आता है, डेलीगेट्स आते हैं और आपका इंटरफेस आते हैं। तो दीज आर रेफरेंस टाइप, ठीक है। तो ये चीजें होती है, इसमें हम क्या करते हैं, मान लीजिए कि आपका जो वेरिएबल है वो कहीं और होगा, हमारा जो वेरिएबल होगा वो मान लीजिए कि यहाँ पे आपका एक वेरिएबल है, ठीक है, इस वेरिएबल में आपने 25 यहाँ पे स्टोर कर दिया, ठीक, ये आपका वेरिएबल, मान लीजिए ये आपका वेरिएबल ए है, ओके। अब आपने क्या किया, एक यहाँ पे बना लिया आपने एक अनदर रेफरेंस टाइप, आपने रेफरेंस वेरिएबल क्रिएट किया इसमें। अब यहाँ पे देखिए ये जो वेरिएबल है, इस वेरिएबल का मान लीजिए यहाँ पे एक ये कोई एड्रेस है, ठीक है, यहाँ पे कोई एड्रेस है, ठीक है, 2120 करके यहाँ पे कोई एड्रेस है इसका। अब ये जो है ये आपका बी वेरिएबल है, ठीक है, और ये बी वेरिएबल कैसा वेरिएबल है, रेफरेंस वेरिएबल है। तो इसमें क्या होगा, यहाँ पे भी आपका 2120, ठीक है, तो ये क्या होगा, ये आपका इसको पॉइंट कर रहा होगा, ठीक है। तो बी जो है वो है आपका रेफरेंस वेरिएबल, याद, ये आपका रेफरेंस वेरिएबल है बी, बी आपका रेफरेंस वेरिएबल है। बी क्या स्टोर करेगा कि जो आपका वेरिएबल ए है, इस ये ए कहाँ है, किस पर्टिकुलर लोकेशन पे, उस लोकेशन का जो भी नंबर होगा, उस जो भी वैल्यू होगी वो ये स्टोर करेगा। तो जब भी अगर हम बी की बात करेंगे तो बी हमें एड्रेस देगा उस पर ए का, और ए में वैल्यू की बात करें तो ए यहाँ पे एग्जैक्टली वैल्यू को लेके चल रहा है। तो कहने का मेरा मतलब है कि अगर मैं बी की बात करूँ तो बी ऑलवेज आपको वैल्यू नहीं देगा, वो एड्रेस देगा, किसी पर्टिकुलर चीज़ को पॉइंट करेगा, पॉइंटर के जैसा, ठीक है। और अगर मैं ए की बात करूं तो ए डायरेक्टली वो वैल्यूज, एग्जैक्टली वैल्यू होगी, वो वैल्यू आपको यहाँ पे ए देगा। आगे चलें इसमें, तो देखो यहाँ पे अब एक हम एग्जाम्पल देखेंगे वैल्यू टाइप का, जो एक एग्जाम्पल देखते हैं। तो देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, आपके पास दो कॉन्सेप्ट हैं, एक है स्ट्रक्ट जिसे हम बोलते हैं स्ट्रक्चर, और शॉर्टकट में इसे स्ट्रक्ट बोलते हैं, और दूसरा जो है वो है क्लास। तो स्ट्रक्चर और क्लास ये दो ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो कि आपके वैल्यू टाइप को सेटिस्फाई करते हैं, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे दोनों में क्या है कि थोड़ी सी सिमिलरिटी भी है, इसमें ज़्यादातर सिमिलरिटी है, और थोड़ी सी पर आपको ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इनको अलग करती हैं एक दूसरे से। तो हम कर सकते हैं कि 90 से 80% जो स्ट्रक्ट और क्लास हैं दोनों सेम होते हैं, और बाकी 10 से 20% दोनों में थोड़ा सा बहुत डिफरेंट होता है। अब जरा सा इसमें अगर हम बात करें तो जो आपका जो स्ट्रक्ट होता है, तो स्ट्रक्ट क्या होता है, स्ट्रक्ट होता है वैल्यू टाइप, मतलब स्ट्रक्ट अगर आप क्रिएट करोगे तो उसमें जो भी आप कुछ बनाओगे ना वो डायरेक्टली वैल्यू के, तो जो भी वेरिएबल क्रिएट करोगे वो वैल्यू को लेकर ट्रेवल करेंगे या फिर वैल्यू पे काम करेंगे। पर अगर आप वहीं पर क्लास क्रिएट करते हो तो क्लास क्या होता है, क्लास जो है वो आपका रेफरेंस टाइप का होता है, ठीक है, क्योंकि क्लास में हम रेफरेंस वेरिएबल भी यूज कर सकते हैं, हम रेफरेंस कर सकते हैं एक दूसरे को, ठीक है। अब यहां पर एक चीज और होती है कि जो आपका स्ट्रक्चर होता है, यानी कि जो आपका स्ट्रक्ट होता है, इसके जो ऑब्जेक्ट क्रिएट होते हैं वो कहाँ क्रिएट होते हैं, स्टैक मेमोरी में। मेमोरी में आपको क्या होते हैं, दो पार्टीशन होते हैं, एक स्टैक एक हीप, ठीक है। तो जो आपका स्ट्रक्ट, अगर आप स्ट्रक्ट का कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे तो वो स्टैक में क्रिएट होगा, और वहीं पर अगर आप क्लास का कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो वो कहाँ पे, हीप मेमोरी में जाके क्रिएट होगा, ठीक है। तो ये दो अलग अलग चीजें हैं। अब यहाँ पर एक चीज ये जान लीजिए, जो आपका स्टैक होता है ना, स्टैक छोटा होता है, कैपेसिटी के मामले में छोटा होता है एज कम्पेयर टू हीप। तो हीप में हम क्या कर सकते हैं, हीप में हम ज़्यादा इन्फॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं, हैप में स्टैक में हम हीप से कम इन्फॉर्मेशन स्टोर कर पाएंगे, ठीक है। तो इसी वजह से क्या होता है, आपको एक एरर देखने को मिलता है, स्टैक ओवरफ्लो। तो कभी कभी ऐसा कुछ होता है कि स्टैक मेमोरी फुल हो जाती है, तो उस कंडीशन में आपको क्या मिलता है, स्टैक ओवरफ्लो नाम से एक एरर आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो आगे चलेंगे इसमें, अब आगे क्या है, अब देखिए एक हम एग्जाम्पल इस पे करेंगे वैल्यू टाइप पे। तो एग्जाम्पल पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक हम प्रोग्राम यहाँ पे लिखेंगे। तो देखो जब भी आप स्ट्रक्चर क्रिएट करोगे तो उसके लिए आपके पास एक स्ट्रक्ट नाम का कीवर्ड होता है, कीवर्ड क्या होते हैं, रिजर्व वर्ड, ठीक है।
तो जिनके डेफिनेशन कंपाइलर में पहले से इनबिल्ट रहती है, कंपाइलर को पता होता है कि इसका मतलब क्या होता है। तो यहां पर आप दोगे क्या, आपने दिया स्ट्रक्ट, लिखा स्ट्रक्ट के बाद आप जो भी लिखोगे, तो यहां पे मैंने दिया इम्प्लॉई, तो आप जो भी लिखोगे उस नाम से स्ट्रक्ट आपका बन जाएगा। तो स्ट्रक्ट हमारा बना इम्प्लॉई नाम से, फिर आपको यहाँ पे उसका एरिया यहाँ पे डिफाइन करना है। अब ब्रैकेट लगाया, अब इसके अंदर हमने दो वेरिएबल बना दिए, पहला वेरिएबल इम्प्लॉई आईडी, दूसरा वेरिएबल सैलरी, ठीक है। तो यहां पर आपका ये स्ट्रक्चर आपका क्रिएट हो गया, स्ट्रक्ट आपका क्रिएट हो गया। अब इसके बाद हमारा आएगा मेन प्रोग्राम, तो क्लास बना, क्लास के अंदर आपका आ गया मेन मेथड, ठीक है। अब मेन मेथड का यहाँ पे अब देखो, जो भी प्रोग्राम, जब भी आप कोई भी प्रोग्राम आप स्टार्ट करोगे, तो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन टॉप से स्टार्ट होता है, बॉटम तक जाता है, पता है आपको, ठीक है। पर जो जो प्रोग्राम होते हैं वो टॉप से नहीं, आपके जो जो भी प्रोग्राम होते हैं वो क्या होते हैं, मेन मेथड से एग्जीक्यूशन उसका स्टार्ट होता है, मेन मेथड से, ओके। तो ये आपका मेन मेथड। अब यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले हमने यहाँ पे एक एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, उसका नाम क्या दिया, ई। फिर उसके बाद हमने क्या किया, जो हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया ई, इस ऑब्जेक्ट में यहाँ पे आईडी की वैल्यू शो कर दी, स्टोर कर दिया, और सैलरी की वैल्यू हमने स्टोर कर दिया। इसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया, हमने एक और यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट किया ई1 नाम से, और उसकी वैल्यू हमने क्या किया कि जो ऑब्जेक्ट ई1 की, जो ई की जो वैल्यू होगी वही ई1 में कर देंगे। फिर हमने एक अनदर ऑब्जेक्ट क्रिएट किया ई2 नाम से, फिर मैंने यहाँ पे दिया कि ई की जो वैल्यू होगी वो ई2 में स्टोर हो जाएगी। फिर यहाँ पे मैंने ई डॉट सैलरी, ई वाले ऑब्जेक्ट में सैलरी वाले फील्ड को क्या कर दिया, चेंज कर दिया, उसकी वैल्यू अपडेट कर दी 500। फिर हमने इसे कंसोल डॉट राइट लाइन के हेल्प से ई1 की सैलरी को प्रिंट किया, फिर ई2 की सैलरी को प्रिंट कर लिया, ठीक है। फिर यहाँ पर कंसोल डॉट रेड लाइन, आपके कंसोल को रोकने के लिए थोड़ी देर के लिए, ताकि आप आंसर जो भी रिजल्ट होगा आप उसे देख सकें, ठीक है। तो ये एक छोटा सा प्रोग्राम है, ओके। तो अब हमें क्या करना है, इस प्रोग्राम को अभी आपको मैं यहाँ पे इसे रन करके भी दिखाऊंगा, बट पहले हम समझिए कि कैसे ये काम करेगा, कैसे ये स्ट्रक्ट वैल्यू और रेफरेंस ये सब सारी चीज़ें काम करती हैं। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, एक्चुअली होगा कि जब ये प्रोग्राम आप रन करोगे, तो सबसे पहले स्टैक मेमोरी में, क्योंकि ये क्या है, स्ट्रक्चर है, स्टैक स्ट्रक्ट है, तो स्ट्रक्ट का जो भी ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा कहाँ क्रिएट होगा, स्टैक मेमोरी में क्रिएट होगा, ओके। तो सबसे पहले मान लीजिए ये आपका एक स्टैक मेमोरी है। अब यहाँ पे क्या होंगे, आपने दो वेरिएबल क्रिएट किए हैं, और जैसे मेन प्रोग्राम में आएगा तो जब ये लाइन एग्जीक्यूट करेगा, इम्प्लॉई इज इक्वल टू न्यू इम्प्लॉई, तो होगा क्या, यहाँ पे एक ब्लैंक आपका, यहाँ पे एक रेफरेंस वेरिएबल आप पर क्रिएट हो जाएगा, ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। इसमें होगा दो फील्ड, एक होगा आईडी और एक आपका होगा सैलरी, ओके। और यहां पे अभी तो ये क्रिएट हुआ, अब जब ये लाइन चलेगी ई डॉट इम्प्लॉई आईडी इज इक्वल टू 1, तो होगा क्या, आईडी में 1 हो जाएगा, और जब ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी, ठीक है, ये वाली लाइन जब एग्जीक्यूट होगी, ई डॉट सैलरी इज इक्वल टू 200, तो सैलरी में क्या आ जाएगा, 200 आ जाएगा। और ये क्या है, ये है आपका ऑब्जेक्ट ई। तो अब यहां पर आपका ऑब्जेक्ट ई क्रिएट हो गया। तो जब ये तीन यहां पे, ये तीन लाइन, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन और ये वाली, ठीक है, ये तीनों लाइन जब यहां पे रन होंगी, तो आपके सामने स्टैक मेमोरी में कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर आ जाएगा, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा और उसमें इस तरीके से वैल्यू आ जाएगी। अब उसके बाद क्या होगा, अब जैसे ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी, इंप्लॉई E1 इज इक्वल टू ई, तो जब इंप्लॉई E1 क्रिएट होगा, तो होगा क्या, जैसे इंप्लॉई E1 आया, तो एक अनादर ऑब्जेक्ट यहां पे क्रिएट हुआ, ठीक है। अब ये कह रहा है कि इस ऑब्जेक्ट में क्या वैल्यू आएगी, तो आपने कहा कि जो ये आप देख रहे हो E1, E1 में जो आपने वैल्यू दिया है वही सेम वैल्यू इसमें भी दे दो। तो आपने क्या किया, एक इम्प्लॉई आईडी और एक सैलरी नाम से दो फील्ड होंगे इसमें, और इम्प्लॉई आईडी की वैल्यू आपने क्या कर दी, जो आपने ई में दिया था, तो ई में 1 दिया था और सैलरी भी आपने दिया था 2, ये दोनों आपने दे दिया। फिर आपने अनदर ये वाली जब लाइन क्रिएट होगी, तो आपने एक दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट किया E2 नाम से, फिर यहाँ पे लिखा कि E2 इज इक्वल टू E1, तो E1 में जो सेम वैल्यू होगी वो इसमें भी आ गई और इसमें भी आ गई। तो आपने क्या किया, इसमें भी, ये तो E1 है, और इसमें भी आपने क्या किया, 1 और 200 ये आपने दे दिया, और ये आपका क्या है, दिस इज योर E2, ओके। तो अब आप यहाँ पे देखो कॉन्सेप्ट समझो, अभी क्या हो गया, अभी आपके तीनों ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गए, तीनों में वैल्यू सेट हो गई। अब यहां पर आपने एक मॉडिफिकेशन किया, जो मेन आपको समझने वाली बात है वो यहां पर है। आपने क्या किया, यहां पर आपने दिया ई ई डॉट सैलरी इज इक्वल टू 500। तो आपने क्या किया, जो ई वाला ऑब्जेक्ट, यानी कि हम इस वाले ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, इस वाले ऑब्जेक्ट के सैलरी वाले फील्ड में क्या कर देना है आपको, 200 की जगह 500 कर देना है। क्या कर देना है, 500 कर देना है, फिर आपको इसे प्रिंट कर देना है। अब जैसे ही ये वाला लाइन यहां पे रन करेगा, ये वाला लाइन जैसे ही रन करेगा, तो
ई वाले ऑब्जेक्ट के सैलरी में 500 हो जाएगा। तो यहाँ पे होगा क्या, ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। अब आप देख सकते हो इसका जो आउटपुट आएगा वो ये आएगा कि जो आपका ई वाला ऑब्जेक्ट है इसमें आईडी तो सेम होगा पर सैलरी होगी 500, और उसके बाद जो ई वन और ई टू है इसमें सैलरी होगा 200 200। क्यों होगा? क्योंकि यहां पे आप देखो जो आपने यहां पे कोड दिया है, ये कोड क्या कह रहा है कि सिर्फ ई वाले ऑब्जेक्ट में आपको सैलरी वाला फील्ड चेंज अपडेट करना है, इसे 200 करना है। तो दिस इज द ड्रॉबैक ऑफ स्ट्रक्ट। स्ट्रक्ट का ये थोड़ा सा ड्रॉबैक है कि आपका जो वैल्यू होगा वो सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट में चेंज हुआ, बाकी इन दोनों में ये सेम रहेगा, ठीक है। यहां पर ये दोनों सेम है, तो जब मेन चेंज हुआ तो सब में होना चाहिए था, तो ये नहीं हुआ। तो अब इसी को थोड़ा सा हम अपडेट करने के लिए हम क्लास का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, रेफरेंस वाला यूज करते हैं, जो थोड़ा सा बेटर होता है एज कम्पेयर टू स्ट्रक्ट। अब देखो यहाँ पे होगा क्या, पहली चीज क्या है, स्ट्रक्ट में क्या बने, टोटल यहाँ पे देखो तीन ऑब्जेक्ट क्रिएट हुए। अगर मान लो एक ऑब्जेक्ट की साइज मान लो 5 MB का है, ठीक है, ये आपका अगर ये 5 MB का है तो आपने क्रिएट किए हैं तीन, तो कितने हो गए, 5 + 5 + 5, तो टोटल 15 MB का ये स्पेस क्या करेगा, रिजर्व करेगा, ठीक है। काम एक ही है, हमने तीन अलग अलग ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हैं। अब सोचो अगर अगर आपका प्रोग्राम बड़ा हो और उस केस में क्या होगा, बहुत सारे ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहे हैं, तो एक ऐसा टाइम आएगा कि आपका जो स्टैक है वो फुल हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको स्टैक ओवरफ्लो वाला एरर आपको देखने को मिलेगा। वैल्यू टाइप का एग्जाम्पल, तो यहाँ पर वैल्यू टाइप में क्या होती है, आप जिसको चेंज करोगे ना, पहले तो तीन ऑब्जेक्ट आपके क्रिएट होंगे और जिसको चेंज करोगे सिर्फ वही चेंज होगा, बाकी सब में वैल्यू चेंज नहीं होगा। तो मैं इसे अब आपको रन करके दिखाऊंगा, कंसोल एप्लीकेशन क्रिएट करके वहां पे रन करके दिखाऊंगा कि किस तरीके इसका आउटपुट आपको देखने को मिलेगा। तो देखो अभी हम एक एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे, तो फाइल पे चलेंगे, न्यू पे आएंगे, एक प्रोजेक्ट क्रिएट करना है मुझे, तो यहाँ पे मुझे कंसोल एप्लीकेशन क्रिएट करना है। तो कंसोल से सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से ये सी शार्प में मुझे क्रिएट करना है, सी शार्प कंसोल एप्लीकेशन, तो सी शार्प सेलेक्ट करो यहाँ से कंसोल एप्लीकेशन, और यहाँ पर आपको अपने एप्लीकेशन का नाम देना है। तो ये अब इसे यहाँ पे ओके पे क्लिक कर लेंगे। तो आप देख रहे हो यहाँ पे ये हमारा एप्लीकेशन क्रिएट हो चुका है। तो देखो यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे टॉप पे यहाँ पर हमने क्रिएट करते हैं स्ट्रक्ट। तो आप देख सकते हो यहाँ पे क्या किया मैंने, यहाँ पे स्ट्रक्चर क्रिएट किया, ठीक है, एम्प्लॉय नाम से स्ट्रक्चर क्रिएट कर लिया है। अब आते हैं मेन प्रोग्राम में, मेन प्रोग्राम में क्या करना है हमें, यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट करने हैं। तो आप देख सकते हो मेन में मैंने क्या किया, यहाँ पे एम्प्लॉई वाला ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, ठीक है, ये सारी चीज़ें क्रिएट की और फिर इसको हमने यहाँ पे प्रिंट कर दिया। अब हम इसे सेव कर लेते हैं, सेव करने के बाद हमारा जो आप देख सकते हो ये प्रोग्राम यहाँ पे हो चुका है। अब देखो इसे सेव करेंगे और इसे रन करते हैं, तो इसे हम रन करेंगे यहाँ पे, ओके। तो आप यहां पे देख सकते हो जब मैंने इसे रन किया तो आपको क्या मिला, 200 200 200 200 कैसे आया, एक बार मैं आपको दिखा दूं। देख सकते हो जब मैंने ई वन को प्रिंट किया था तो ये 200 दे रहा था, और जब मैंने ई टू को प्रिंट किया तो ये भी 200 दे रहा था। तो अगर मुझे यहां पे सपोज करो, अगर मुझे यहां पे प्रिंट करना है, ई वन को प्रिंट करना हो, तो हम क्या करेंगे, यहां पे हम लिखेंगे ई वन, इसे हम सेव कर लेते हैं, ठीक है। तो ये सेव कर लिया, और ये आपका क्या है, ये आपका ई वन है। तो अब आप इसे सेव करके आप इसे रन करोगे तो होना क्या चाहिए, सब में अगर आप 200 200 आ रहा था तो ठीक है, और अगर किसी में चेंजेस आ रहा है तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। अब यहाँ पे देखो ई वन क्या कर रहा है, यहाँ पे आपने ई वन को प्रिंट किया तो ई वन आपको दे रहा है 500, जो पहली वैल्यू है क्या है 500, ई टू है आपका 200, बाकी सब है 200, यही हो रहा है, क्योंकि जो चेंज हो रहा है वो सिर्फ ई वन में हो रहा है, ठीक है, सॉरी जो जो चेंज हो रहा है वो ई वाले ऑब्जेक्ट में हो रहा है, बाकी सब में नहीं हो रहा। तो ये आपका आउटपुट आप दे सकते हो, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हो। अब आगे चलते हैं, अब नेक्स्ट जो है हमारा वो है आपका रेफरेंस टाइप। अब रेफरेंस टाइप का भी एग्जांपल देख लेते हैं। तो जैसे मैंने क्रिएट किया था स्ट्रक्चर के लिए, वैसे भी हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे रेफरेंस के लिए। तो रेफरेंस के लिए हमें क्या करना है, इस बार हमें क्रिएट करना है स्ट्रक्ट की जगह पे क्लास क्रिएट करना है। तो हमने क्रिएट किया क्लास। अब ये जो क्लास है ना, क्लास को क्या करेंगे, अब यहाँ पे क्लास में हमने क्रिएट किया दो वेरिएबल, एक आईडी और एक हमने क्रिएट किया एक सैलरी, सेम वही प्रोग्राम है। अब फिर से यहाँ पर आएंगे, अब की बार मेन क्लास आपका, फिर मेन मेथड। अब इस मेन मेथड के अंदर आपने यहाँ पे देखो एम्प्लॉई ऑब्जेक्ट आपने क्रिएट किया एम्प्लॉई क्लास का, फिर हमने यहाँ पे एम्प्लॉई में आईडी और सैलरी की वैल्यू यहाँ पे सेट कर दी, फिर एक अनदर ऑब्जेक्ट क्रिएट किया ईवन, उसमें ई की वैल्यू स्टोर कर दिया, ई टू में फिर से ई की वैल्यू स्टोर कर दिया। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, ई वाले ऑब्जेक्ट के सैलरी वाले फील्ड को अपडेट कर रहे हैं। अब यहाँ पर फिर ये दो लाइन कंसोल वन कंसोल टू, इन दोनों लाइन से हम ई1 और ई2 के वैल्यू सैलरी वाले फील्ड को आप यहाँ पे प्रिंट कर देंगे, ओके। तो ये प्रोग्राम है जहाँ पे हम क्लास क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम स्ट्रक्ट ना क्रिएट करके यहाँ पे हम क्लास, हमने यहाँ पे क्लास वाला कॉन्सेप्ट यूज किया हुआ है।
तो ये क्या है रेफरेंस टाइप। अब देखो इसका थोड़ा सा आप इसका एनालिसिस करते हैं कि कैसे कैसे ये काम करेगा। तो आपके मेमोरी में क्या होगा, पहले तो है हमारा एक स्टैक और एक दूसरी मेमोरी होगी, वो होगी हीप। ठीक है, तो इन दोनों मेमोरी की हेल्प से हम क्लास जो क्रिएट होगा क्लास, ठीक है, उस पर कैसे काम करेंगे। दोनों मेमोरी यहाँ पे यूज़ होती हैं। तो अब देखो यहाँ पे होगा क्या, सबसे पहले हमारा जो जे वाला कोड है, जब मेन मेथड आपका रन करेगा, ठीक है, मेन मेथड में आपके पास क्या होता है, मेन मेथड में आपके पास यहाँ पे सबसे पहले ये जो आप कोड देख रहे हो ना, ये वाला कोड इम्प्लॉई ई इज इक्वल टू न्यू इम्प्लॉई ई, ये जो कोड है ये दो पार्ट से मिलके बना है। पहला पार्ट है आपका इम्प्लॉई ई, ठीक है, पहला पार्ट है आपका ये आपका पहला पार्ट। जब ये होगा, ये क्या कह रहा है, कह रहा है कि इम्प्लॉई ई जब ये रन होगा तो आपके स्टैक में रेफरेंस वेरिएबल क्रिएट होगा। तो इस तरीके से एक रेफरेंस वेरिएबल आपके स्टैक में क्रिएट होगा। तो ये क्या हुआ, एक ई नाम का रेफरेंस वेरिएबल क्रिएट हुआ। अब इस वेरिएबल में जो वैल्यू, ये जो आप देख रहे हो ना, ये वाली चीज यहां पे होगी, ये क्या है, ये इसकी वैल्यू है 0x1 2 3, दीज आर द वैल्यू। अब क्या करेंगे, अब उसके बाद दूसरा आपका ये वाला रन होगा, दूसरा पार्ट ये वाला रन होगा। तो इसी कोड में दो पार्ट है, ये क्या होगा, इसकी हेल्प से क्रिएट होगा क्या, ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। वो कौन सा ऑब्जेक्ट, वो कहां पे क्रिएट होगा, वो ऑब्जेक्ट फिर ई नाम से एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा आपके हीप में, ठीक है, हीप में वो क्रिएट होगा। और वो कब क्रिएट होगा, जब ये वाला कोड रन करेगा तब वो क्रिएट होगा। तो आप देख सकते हैं हीप में आपके एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा ई नाम से, तो इनिशियली ये ब्लैंक होगा, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट हो गया। और इस ऑब्जेक्ट का ये क्या है, दिस इज द रेफरेंस नंबर, ये आपका रेफरेंस नंबर है, ठीक है, आर से डिनोट करते हैं, दिस इज द रेफरेंस नंबर। अब होगा क्या, यहां पे जब ये लाइन और ये लाइन जब चरण करेगी तो होगा क्या, यहां पे आपके इस पर्टिकुलर हीप में जो ऑब्जेक्ट है तो वो क्या होगा, ई क्या है, ई है आपका रेफरेंस ऑब्जेक्ट। तो क्या करेगा, वो आएगा ई के पास, ई के पास आया, ई के पास यहां पे उसने देखा एक रेफरेंस है, ई क्या स्टोर करेगा, ई स्टोर करेगा हीप में जो ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है उस ऑब्जेक्ट का ये एड्रेस, ये एड्रेस यहां पे हीप में स्टोर होगा। बेसिकली ये लाइन इस तरीके से होगी, ठीक है, यहां पे ऐसे। तो ये जो एड्रेस है, ये एड्रेस यहां इस ई वाले वेरिएबल में स्टोर होगा। अब ये जब ई पे आएंगे तो कह रहा है ई डॉट इम्प्लॉय, तो ई में क्या है, ये वाला एड्रेस है, इस एड्रेस पे चलेंगे और यहां पे जो इम्प्लॉय वाला कॉलम है उसमें 1 सेट कर देंगे। फिर ई जो है ई डॉट सैलरी, तो यहां पर ई पे ई की बात करें तो रेफरेंस में आएगा, और ये किसका रेफरेंस देगा, एक ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा हीप में। अब हीप में क्या वैल्यू स्ट्रक्ट में क्या होता था, तीन अलग अलग E1, E2, E3 नाम से तीन अलग अलग क्रिएट होते थे, पर यहां पे तीन नहीं होगा, यहां पे एक ही होगा। तो ऑब्जेक्ट एक है, अब इसके एक फील्ड में ये स्टोर हो गया, दूसरे में सैलरी हो गई। अब इसके बाद क्या होगा, जब आपका ये वाला कोड रन होगा इंप्लॉई E1, तो यानी हमने एक नया रेफरेंस वेरिएबल क्रिएट किया E1 नाम से, इसकी क्या वैल्यू होगी। तो देखो यहां पर ये जो मैंने नीचे यहां पे ये जो देख रहे हो, ये यहां नहीं होगा, ये बेसिकली ये जो ऑब्जेक्ट होगा यहां पे 0x1 2 3, ये जो रेफरेंस होगा वो यहां पे स्टोर होगा, ठीक है। नीचे नीचे लिखने का मतलब ये इसका इंडेक्स है, ऐसा नहीं है, ये इसे थोड़ी देर भूल जाओ, ये वैल्यू यहां ना होके ये वैल्यू यहां पर होनी चाहिए, ठीक है। तो यहां पे ईवन में क्या है, यहां पे ईवन में भी है इसी का रेफरेंस इसके पास है, ठीक है। तो आप देख सकते हो ईवन में क्या है, इसी का रेफरेंस है। अब यहां पे आपके पास ईवन क्रिएट हो गया। अब उसके बाद बात करते हैं E2 की, जब E2 की बात करेंगे तो एक नया यहां पर आपके पास रेफरेंस वेरिएबल क्रिएट हुआ E2 नाम से, इसमें भी किस किस का रेफरेंस होगा, ये रेफरेंस होगा 0x2 1 2 3, ठीक है। तो ये, और ये किसको डिनोट करेगा, ये आपके हीप में जो आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है उसी को ये यहां पे इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने क्या किया, तीन रेफरेंस वेरिएबल क्रिएट किया, तीनों रेफरेंस वेरिएबल एक ही ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहे हैं। तो अब यहां पे जब ये वाली लाइन आएगी, ये वाली लाइन क्या कह रहा है, कह रहा है कि ई डॉट सैलरी इज इक्वल टू 500। तो ई डॉट सैलरी मतलब ये लाइन इसको इसको कॉल करेगा, ठीक है। यहां पे अब यहां पे ई वाले ऑब्जेक्ट में आएंगे, ई में क्या है, ई में जो एड्रेस है वो ये एड्रेस है, ये एड्रेस है ई में। तो ई क्या करेगा, हीप मतलब मेमोरी में जाएगा, वहां पे इस पर्टिकुलर एड्रेस को सर्च करेगा, तो उसे वो एड्रेस यहां पे मिला, यहां पे मिला। अब इस एड्रेस पे यहां पे कोड में क्या है, ई डॉट सैलरी, तो यहां पे मिला उसे इंप्लॉई और सैलरी। तो क्या करना है, सैलरी में आएगा, जब वो सैलरी में आएगा तो यहां पे क्या लिखा हुआ है कि सैलरी में 500 कर दो, तो इस 200 को क्या कर देगा, वो
इसको वो कर देगा 500 कर देगा, ठीक है, 500 कर देगा इसको, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट हमारा एक ही है, तीनों किसको पॉइंट कर रहे हैं, एक ही को पॉइंट कर रहे हैं। अब इससे क्या हो गई, मेमोरी यूटिलाइजेशन आपका सही हो गया, मेमोरी मैनेजमेंट आपका एग्जैक्टली करेक्ट हो गया, ठीक है। अब यहां पे एक जगह वैल्यू, मतलब जब सारी वैल्यू एक ही जगह से आ रही है, तो जब उस पर्टिकुलर मेन लोकेशन पे, मेन स्पेस पे अगर आप कोई अपडेट करते हो, तो वो अपडेट हर जगह रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। तो अब इस केस में क्या होगा, जब आपका कंसोल डॉट राइट लाइन जब ये रन होगा, तो इवन की सैलरी कितनी आएगी, वो भी आएगी कितनी, अपडेट करने के बाद 500 हो गई ना, तो सब अपडेटेड वैल्यू यहां पर आपको शो करेंगे 500, और ई टू की वैल्यू सैलरी कितनी आएगी 500, और इवन की भी आप प्रिंट करोगे तो वो भी कितना आएगा, वो भी आपको 500 500 आएगा। तो जो आपकी नई वैल्यू आएगी वो आपको यहाँ पे ये दिखाएगा, ठीक है, 500 500 आप यहाँ पे देख सकते हो, ये आपका अपडेटेड यहाँ पे जो जो देख रहे हो, तो ये वैल्यू सबके लिए कॉमन होगी, ठीक है। तो दिस इज द रेफरेंस टाइप। अब यहाँ पे क्या मेमोरी मैनेजमेंट बच गया, बन गया यहाँ पे सक्सेसफुली, नहीं तो अपने स्ट्रक्ट में क्या किया था, आपने 5 5 MB के तीन आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट किए थे, एक था ई, दूसरा था आपका ई वन, और जो आपका तीसरा था वो क्या था, आपका ई टू। तो 5 5 5 टोटल कितने हो गए, टोटल आपके हो गए 15 MB स्पेस आपने रिजर्व लिया था। अब यहाँ पे क्या, यहाँ पे से आपने सिर्फ एक ही क्रिएट किया है, वो भी 5 MB का है ना। तो इस तरीके से ये काम करता है रेफरेंस आपका, तो रेफरेंस का काफी अच्छा माना जाता है एज कम्पेयर टू स्ट्रक्ट। तो अगर आप कोई इंटरप्राइज एप्लीकेशन क्रिएट कर रहे हैं, कोई बड़ा एप्लीकेशन क्रिएट कर रहे हैं, तो वहां पर आप कोशिश करें कि क्लास टाइप को यूज करें, वो ज्यादा बेटर होता है। तो गाइज अगर हम एक क्लास की बात करें, तो सेम यही प्रोग्राम है, अब इसी प्रोग्राम को यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे आपको कर देना है क्लास, बस बाकी सारी चीजें सही हैं। अब इस ये प्रोग्राम यहाँ पर आपने सेम सारी चीज किया है, यहाँ पर आप अपडेट कर रहे थे। जो स्ट्रक्ट के केस में सब में क्या आ रहा था, ई की वैल्यू 500 आ रही थी, बाकी ई वन और ई टू की वैल्यू कितनी आ रही थी, 200 200। अब हम इसे सेव करते हैं, ये हमारा क्लास वाला है जो कि रेफरेंस टाइप वेरिएबल का एग्जांपल है। तो ये प्रोग्राम सेम वही प्रोग्राम है। अब इसमें देखो, इस प्रोग्राम में क्या हुआ, हमने क्रिएट किया है क्लास, स्ट्रक्ट की जगह पे क्लास क्रिएट किया है, बाकी सारी प्रोग्राम बिल्कुल वही है। तो यहाँ पे ई डॉट सैलरी, हमने सैलरी को चेंज किया, यानी कि मैंने आपको क्या बताया कि हमारे पास क्या है, हमारे पास दो हैं, एक स्टैक में आपका रेफरेंस वेरिएबल और हीप में आपका ऑब्जेक्ट बना। तो आपने क्या किया, उस ऑब्जेक्ट में वैल्यू को चेंज किया है और वही वैल्यू इन दोनों में पास की गई है। तो जब मेन जगह से, मेन पोजीशन से जब आपने वैल्यू को चेंज किया, तो वो चेंज हर जगह रिफ्लेक्ट होगी। तो आप देख सकते हो तीनों क्या है, 500 500 500, ओके, यहाँ पे कोई मॉडिफिकेशन नहीं है, ठीक है। ओ ठीक है, अब यहाँ पे आगे चलते हैं, इसमें कुछ और चीजें देख लेते हैं। तो अब इसके बाद अगर हम बात करें, और इसमें डिफरेंस की अगर हम बात कर लेते हैं वैल्यू टाइप के और रेफरेंस टाइप के, तो यहाँ पे कुछ मेजर डिफरेंस है। तो जैसे कि जो वैल्यू टाइप है, उसमें पहला चीज़ है कि आपकी जो भी चीज़ आप स्टोर करते हो, जो भी ऑब्जेक्ट आप क्रिएट करते हो, वो स्टैक में क्रिएट करते हो, और जो आपका रेफरेंस टाइप है, इसमें आप हीप मेमोरी यूज़ करते हो कुछ भी स्टोर करने के लिए। आपका जो वैल्यू टाइप होता है, इसमें हम वर्क करते हैं एक्चुअल वैल्यू के साथ, मतलब कंटेन एक्चुअल वैल्यू जो भी आप इंटर कर रहे हो। और रेफरेंस में क्या होता है कि रेफरेंस टाइप में हम वो एक्चुअल वैल्यू नहीं लेके चलते, हम क्या करते हैं, हम उसका रेफरेंस लेके चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो वैल्यू है, यहाँ पे क्या कह रहा है कि आपका जो वैल्यू टाइप होता है, ये कंटेन करता है क्या, नल वैल्यू को कंटेन नहीं करता। मतलब अगर आपने स्ट्रक्ट क्रिएट किया, अगर आपने उसमें कुछ नल छोड़ दिया कहीं पर, तो यहाँ पर आपको एरर आएगा। अगर आपको नल वैल्यू देना है कहीं पर, तो उसके लिए आपके पास एक अनदर कॉन्सेप्ट होगा नलेबल टाइप का, जैसे कि वैल्यू टाइप, रेफरेंस टाइप, वैसे भी एक होता है नलेबल टाइप, तो आप वो यूज करोगे। बट रेफरेंस के केस में क्या होता है कि आप आसानी से नल वैल्यू भी, जैसे आपने कुछ क्रिएट किया, कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, और उसमें आप चाहते हो वैल्यू हम ना दें, उसे इम्प्टी छोड़ दें, तो वो अभी आप यहाँ पे कर सकते हो। और उसके बाद जो आपका वैल्यू टाइप होता है, इसमें मेमोरी जो एलोकेट होती है वो कंपाइल टाइम में एलोकेट होती है, और रेफरेंस में आपका मेमोरी जब भी होता है डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन बोलते हैं जिसे, रन टाइम में, ठीक है। तो यहाँ पे रन टाइम में होता है, जिसे हम डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन भी बोलते हैं, ठीक है। ये आपका दो, ये आपका कुछ मेजर डिफरेंस है यहाँ पे इनके बीच में। सो गाइज यहीं पर इस वीडियो को यार करेंगे समाप्त। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, तो दोस्तों आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, लाइक करना है वीडियो को, शेयर करना है दोस्तों तक, और आपके जो भी सुझाव हुए, जो भी आपके क्वेश्चन हो, आप हमें कमेंट में आओ, कमेंट में आओ, और जो भी क्वेश्चन है आप कमेंट में करो, बेधड़ाका करो, हाल चाल पूछो, ठीक है। जो भी आपको बातें कहनी है वो कमेंट में मुझे बताओ, मुझे अच्छा लगता है आप लोगों का कमेंट पढ़ना, मुझे थोड़ी सी मोटिवेशन मिल जाती है। अब
ये एक नया वीडियो आएगा इसके बाद सी शार्प पे, और फिर उसके बाद मैं स्टार्ट करने वाला हूँ वीवी डॉट नेट प्रोग्रामिंग। तो वहाँ पे हम वीवी डॉट नेट पे प्रोग्रामिंग सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें। तो गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मिलते हैं आपसे नए एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।